हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच वैन डिवाइडेड बाई 4 लीव ए रिमाइंडर 3। यानी 10 से और 300 के बीच वालों की बात करनी है, बिटवीन लिखा हुआ है तो बीच वालों की ही बात करेंगे। तो 10 के बाद 11 आ जाएगा और इधर 299 आ जाएगा। तो 11 से लेकर 299 के बीच में कितने नंबर्स हैं जिनको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3। ऐसे वाले नंबर्स हमें पता करने हैं। तो इधर बात करें तो 12 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो उससे पहले आया 11 और 11 तो इसके बीच में आता ही है। तो 11 जब 4 से डिवाइड होता है तो 4 टू जाए 8, 3 रिमाइंडर आता है। तो पहला जो नंबर हुआ वो कौन सा हो गया, 11। तो 11 मिल गया एक हमें। फिर हमें पता है कि 16 पूरा पूरा डिवाइड होता है तो उससे पहले वाला कौन आ गया, 15। 15 भी रिमाइंडर क्या देगा हमें, 3। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, बचेगा कितना, 3। 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसी तरीके से आगे वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 पूरा पूरा डिवाइड होता है तो 20 से पहले कौन आता है, 19। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि 11 में 4 प्लस करेंगे तो 15, 15 प्लस 4 19, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें पता लगे कि एक एपी बन रही है। अब लास्ट वाली टर्म पता कर लेते हैं, 300 पूरा पूरा 4 से डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, तो इससे पहले वाला नंबर है 299। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने आप ही 3 रिमाइंडर जरूर आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 7 जा 28, 1 रह गया इसके पास, 19 बच गया, 4 4 जा 16, तो अपने आप ही 3 बच गया, 19 में से 16 जाएगा तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो ये होगा। यानी 10 से लेकर 300 के बीच में जो नंबर्स हैं वो कौन से होंगे, इस तरीके से होंगे, 11, 15, 19 और सबसे लास्ट वाला 299। तो ये नंबर्स कितने हैं, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये एक एपी है जिसके अंदर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, फर्स्ट टर्म तो हमें पता लगी गई कि 11 है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे आगे भी चेक कर सकते हैं, 19 में से 15 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला an इक्वल टू सबसे लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या है, 299 है, तो लिख लिया 299। अब nth टर्म का जो फॉर्मूला था वो लगा लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 299। तो a की वैल्यू तो हमें पता है 11 है, प्लस n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 4 इक्वल टू 299। अब यहाँ से दो तरीके हैं कि या एक तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या ये देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, प्लस में 11 है तो 11 को उधर भेज देते हैं, तो अपने पास रह गया n माइनस 1 इंटू 4 और 11 को उधर भेजेंगे, ये प्लस में था तो उधर माइनस में जाएगा, तो 299 माइनस 11, माइनस करेंगे तो 288 बच जाएगा। और इधर है अपने पास n माइनस 1 और ये 4 मल्टीप्लाई में था, तो 4 को सीधे ही डिवाइड में भेज दें, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, एन इक्वल टू ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस 1, तो 72 और 1 73। इस तरीके से कितनी टर्म्स होंगी, 73 टर्म्स होंगी जो कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो 11 15 इस तरीके से ये 299 तक कितनी टर्म है, 73 टर्म्स हैं। तो ये था इसका आंसर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।